तो दोस्तों इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D प्लगइन का न्यू अपडेट आ चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही अपडेट बताने वाला हूँ और दोस्तों वो जो नया अपडेट आया उसको यूज कैसे करते हैं, अपने गेम में अप्लाई कैसे करते हैं, वही सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर पर ओपन कर लिया है और इसको दोस्तों मैं अब अपडेट कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत ही ज्यादा जल्दी डाउनलोड हो जाएगा और ज्यादा MB का भी नहीं है, सिर्फ 9.9 MB का है और 100% हो भी गया है दोस्तों। तो गाइस अपडेट करने के बाद सबसे पहले आपको ऐप खोल लेना है और आपको अपना नेट ऑन कर लेना है। मैंने अपना नेट ऑन कर लिया है। अब दोस्तों देख सकते हैं एनिमल वाले में तो कोई भी अपडेट नहीं आया, पहले भी यहाँ 4 ही एनिमल्स थे और उतने ही है, व्हीकल्स भी उतने ही है और कार्स और बाइक के चीट कोड में भी कोई चेंज नहीं आया, उतने के उतने ही है। लेकिन चेंज आया है RGS मोड में, देख सकते हो दोस्तों ये पहले आता था और ये दोस्तों 7 मिशन नए ऐड हुए हैं इसमें, ये इसमें नया अपडेट आया है। ये वाले मिशन पहले थे और ये वाले भी पहले थे, लेकिन ये 7 मिशन न्यू ऐड हुए हैं। तो भाई यही हमें, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि इनको कैसे आपको खेलना है, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको किसी पे भी कॉपी कर देना है। देखो जैसे ही मैंने कॉपी करा तो नीचे ग्रीन कलर से कुछ लिखा आ गया कि MOD कॉपी। उसके बाद दोस्तों आपको ये प्लग इन वाला गेम बंद कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं अपने गेम के अंदर आ चुका हूँ, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अपना नेट ऑन रखना है, उसके बाद ये जो सेटिंग्स लिखी है वो है ना सेकंड नंबर पे, यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये मॉड स्लॉट्स लिखे हैं ना, ये 50 तक होते हैं हमारे पास, इसमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर 10 कर लेता हूँ, आप कोई भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली प्ले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जब गेम में आ जाओगे, देख सकते हो मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपना फ़ोन निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोन निकाल लेता हूँ और ये गलत खोल रहा है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास था ना नीचे, मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर क्लिक करके और लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपको फिर गेम बंद कर देना है। फिर जब आप दोबारा गेम खोलोगे ना और स्लॉट नंबर 10 सेलेक्ट करके ओपन करोगे, तो आपको जो आपने वहाँ पर RGS मोड देखा था ना, वो आपको गेम में दिखाई देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं पेस्ट वेस्ट सब कर चुका हूँ, काम मैं पूरा कर चुका हूँ। वहाँ से मैंने पहले कॉपी करा, यहाँ पर आके मैग्नीफाइंग ग्लास पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद गेम बंद करा। अब दोबारा से गेम ओपन करूँ और अब देखना दोस्तों कैसे ओपन होगा, बहुत ही ज्यादा मस्त सीन आने वाला है भाई, थोड़ा सा वेट करो बस। तो यहाँ पर देख सकते हो बस ओपन हो ही गया और भाई कितना ज्यादा मस्त सीन आ रहा भाई, देख सकते हो गाइस। मैं नए वाले RGS के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ स्टार्ट का ऑप्शन मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है। तो भाई ये पूरी तरह से वर्किंग है जो नया अपडेट आया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखाता हूँ यहाँ से कि आगे जाके क्या आएगा। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया भाई ये तो बना रखा है, काफी ज्यादा अच्छा रैंप है भाई, ऐसा वैसा नहीं है। तो गाइज आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो नया अपडेट आया है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D प्लगइन का, उसको कैसे यूज करते हैं और अपने गेम में कैसे अप्लाई करते हैं। तो गाइज देख सकते हो बहुत ही ज्यादा बढ़िया धांसू सा अपडेट है भाई, ये काफी ज्यादा मक्खन की तरह बाइक चल रही है। और यहाँ से बाहर निकल के क्या आएगा भाई, ओ भाई साहब मैं तो नीचे गिरने वाला हूँ। खैर कोई बात नहीं, नीचे खैर तो मैं गिरने वाला हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो समझ आई हो और आप अपने गेम में अप्लाई करके देखना, अगर सक्सेसफुल हो जाओ तो भाई मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, तब तक भाई मैं इस वाले RGS को पूरा कवर खत्म कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे बढ़ूंगा। तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।